आज सुप्रीम कोर्ट में नोहरा शेख की हियरिंग में जो केस नंबर 31 ऑफ 2020 और केस नंबर 1675 1676 2020 जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से डाला गया था और एक केस जो है के तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से डाला गया था, दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने नोहरा शेख को 6 हफ्तों के लिए इंटेरिम बेल दे दी। इस मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए महाराष्ट्र के एडवोकेट ने एओआर ने पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करने की बात की और हीरा विक्टिम एसोसिएशन के एडवोकेट ने तमाम कंप्लेनेंट और क्लेमेंट को इनमें इंक्लूड करने की बात की, लेकिन और तमाम एओआर ने इनकी बेल की मुखालिफत की, लेकिन हीरा विक्टिम एसोसिएशन के एडवोकेट ने कहा कि आखिर में अगर तमाम एफआईआर करने वालों का और उसके साथ स्टेटमेंट देने वालों का पैसा 6 हफ्तों के अंदर अगर आ जाता है तो हमें कोई चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 जज साहब ने तमाम एफआईआर करने वालों को और उनके साथ स्टेटमेंट देने वालों को, यानी कि एफआईआर के साथ जो पीछे आपके जो लोग हैं उनको भी जो स्टेटमेंट दे चुके हैं 6 हफ्ते के अंदर पैसा देने की बात की। अब पैसा कैसा मिलेगा? पैसा कोर्ट में जमा नहीं होगा, पैसा एसएफआईओ के आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो चेक देंगे कंप्लेनेंट्स को। और अहमदनगर में जो पूना जो नासिक और औरंगाबाद के करीब है वहां पर जो नया एफआईआर हुआ था वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। और जो जो एफआईआर नोहरा शेख ने दाखिल नहीं किए थे उन तमाम एफआईआर को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंक्लूड कर दिया गया। और कुछ एडवोकेटों ने यह भी कहा कि 25 करोड़ में क्या होगा जबकि ये 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये इनकी मर्जी है, लेकिन 6 हफ्तों के अंदर इनको इस शर्त पर छोड़ा जा रहा है जिन लोगों ने पहले कंप्लेंट किया था और पहले एफआईआर के साथ थे उन तमाम लोगों को 6 हफ्ते के दिन डायरेक्ट उनको उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जरिए पैसा दिया जाएगा जो नोहरा शेख इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देंगे। दूसरी बात, जब महाराष्ट्र के एडवोकेट ने यह सवाल किया कि हम भी पब्लिक नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो वहां पर एक अजीब वाकया सामने आया कि ये कहा गया जो लोग सो रहे हैं उनको सो जाने दो और फिल वक्त जो लोग करे हैं उनको उनका पैसा दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह हीरा विक्टिम एसोसिएशन के तमाम फाइटरों को, मेरे भाइयों को बहनों को जिसमें इसमें हिस्सा लिया, हम तमाम को मुबारकबाद देते हैं। और जिन लोगों ने आकर आगे आकर कंप्लेंट किया उनका पैसा पैसे पहले मिलेगा, हमने आपसे वादा किया था और हमारा वादा आज पूरा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम भी खत्म हो गया। हम सुबह से इसी उम्मीद में थे कि अल्लाह सुबहाना ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आई एम द बेस्ट प्लानर, और अल्लाह का प्लान कामयाब हो गया और तमाम कंप्लेनेंटों को 6 हफ्ते के अंदर पैसा मिल गया। लिहाजा यह मामला यहीं पर ख़त्म हुआ। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, नोहरा शेख अंदर रहे या बाहर रहे हमें कोई मतलब नहीं है। और हीरा विक्टिम एसोसिएशन तमाम फाइटरों को, तमाम कंप्लेंट करने वालों को, तमाम करने वालों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।